नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मेरे YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगिड। तो जब से ग्रेजुएशन लेवल की CET का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तब से एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या फाइनल ईयर वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो आप अगर ग्रेजुएशन लेवल की CET का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसके अंदर टोटल 8 वैकेंसी है, ठीक है, जिसके ऊपर इस ग्रेजुएशन लेवल की CET के बाद भर्ती होनी है। तो 8 वैकेंसी है टोटल। तो अगर आप उन 8 में से किसी भी वैकेंसी में इंटरेस्टेड है और अगर आप CET नहीं देते हैं ग्रेजुएशन लेवल का, तो आप किसी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल ईयर वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है, मुख्य परीक्षा अभी कौन सी, कई बच्चे इसको सोचेंगे CET की मुख्य परीक्षा, तो CET मुख्य परीक्षा नहीं है, CET समान पात्रता परीक्षा है। जब आप नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ोगे तो उसमें टोटल 8 वैकेंसीज है, 8 वैकेंसीज देख लेना। उन 8 वैकेंसी में सब में अलग अलग योग्यता है, ठीक है, और ज़्यादातर में योग्यता है वो है ग्रेजुएशन, ज़्यादातर में ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मुख्य परीक्षा से पहले जो आपकी जो आपकी डिग्री यानी आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए जिस दिन मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा तब नहीं, कई बच्चे सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब तक होनी चाहिए, तो नोटिफिकेशन आएगा तब तक भी डिग्री नहीं चाहिए। और मतलब कई ये भी सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो डिग्री चाहिए, ठीक है, उससे पहले कंप्लीट होनी चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। जो मुख्य परीक्षा होगी यानी इन 8 वैकेंसीज में जिसका भी जो एग्ज़ाम होगा, उस दिन से पहले पहले आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जो ग्रेजुएशन लेवल की CET देगा, ऐसा नहीं है कि वो पूरी 8 की 8 भर्ती परीक्षाओं में योग्य हो जाएगा, क्योंकि जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं जो अभी फाइनल ईयर में, उनका एग्ज़ाम जून जुलाई तक कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जून जुलाई से पहले जैसे CET हो जाएगा जनवरी में, ठीक है, तो जनवरी में CET हो जाएगा और मार्च अप्रैल मई और जून तक अगर किसी वैकेंसी का एग्ज़ाम हो जाता है इन 8 में से, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन जून के बाद तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो 8 वैकेंसीज है या 8 की 8 ही आपको पहले जून तक 8 की 8 वैकेंसीज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको CET देना चाहिए। CET में अच्छा स्कोर होगा तो 8 में से ज़्यादा 2 वैकेंसीज के एग्ज़ाम हो सकते हैं जून तक, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, बाकी 5-6 वैकेंसीज में आप एलिजिबल हैं। तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब।